हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशन विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का 12 जनवरी 2023 का मैथ का शिफ्ट फर्स्ट का पेपर करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फॉर्म अ को प्राइम नंबर पेयर। को प्राइम नंबर पेयर क्या होता है? युग्म अभाज्य संख्याएं। देखो, युग्म अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF जो है क्या हो, एक हो। जिन भी पेयर का HCF एक हो वो क्या होते हैं? हमारे को प्राइम पेयर, या उसको हम क्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्याएं। ठीक है, अब देखो 9 और 63 देखो तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 9, 9 एकम 9, 9 सते 63। ठीक है, 21, 42 देखो इसका क्या हो जाएगा? 21, 21 एकम 21, 21 दूनी 42। अब इन दोनों का देखो, इन दोनों का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 5 15 और 12 3 36, और 11 और 21 का होगा नहीं, इन दोनों का HCF क्या होगा? एक होगा 11 और 21 का। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 और 21, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इतना। कोई दो नंबर है, पहला नंबर मल्टीप्लाई दूसरा नंबर, इसका प्रोडक्ट दे दिया 6, 7, 5, 0 और उनका LCM दे दिया। देखो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होता है LCM इनटू HCF। अगर यहाँ से मैं HCF निकालूंगा तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है? 6750। LCM कितना है? 450। 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 45 एकम 45 और ये गया 5 पे, तो हमारा HCF क्या आ गया? HCF आ गया अपना 15। उसके बाद इसने क्या बोला है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर इज इक्वल टू देयर HCF, जो ये दो नंबर हैं इनका जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? HCF के बराबर है, मतलब 15 है। ठीक है, और इन दोनों का हमें क्या पता है? मल्टीप्लाई पता है कितना है? 6750। ठीक है, अब देखो, अब इसको हम क्या करेंगे? देखो, हमें पता है कि प्रोडक्ट है इतना, तो पहला इंटू दूसरा प्रोडक्ट दे दिया 6750 और इन दोनों का डिफरेंस हमें पता चल गया कितना है? 15। अब हम बाय ऑप्शन करेंगे। अगर मैं ऑप्शन 120 रख लूँ, इसने स्मॉलर नंबर पूछा, अगर मैं इसको 120 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? 135। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये तो नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन, जब 120 बहुत ज़्यादा है तो 150 भी और ज़्यादा होगा। अब हमारे पास बचा 90 और 75। अगर मैं इसको 75 रखता हूँ तो ये 15 ज़्यादा होगा, ये होगा 90। 9 सते 63, मतलब अगर 90 और 70 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 6300 आएगा, और 75 मतलब ये इसका सही आंसर है। अगर नहीं लगे तो मल्टीप्लाई करके देख लेना। कैसे करेंगे? देखो, हमें मल्टीप्लाई करना है 90 इंटू 75। मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये 90 75 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 150/2 लिख सकते हैं। 15 निम्मा 105। ठीक है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, नहीं ये तो गड़बड़ हो जाएगा, वही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 15 निम्मा 135 होता है, 2 6 12 2 7 14 2 5 10 और 0। ठीक है, ये आ गया हमारा सही आंसर। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि मेहुल जो है वो 5,60,000 रुपये में एक कार खरीदता है और वह इसे पुनर्निर्मित करता है, अंततः इसे इतने रुपये में बेच देता है, कार का मूल्य बताएं। ठीक है, कितने हैं? 5,60,000। ठीक है, और फिर कितना हो जाता है? 64,40। रेशो निकालेंगे, 4 0 से 4 0 कैंसिल, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 8 7 56 8 8 64, मतलब 7 से कितना हुआ 8, 1/7 × 100, तो ये हो जाएगा हमारा 100/7, तो ये आ गया अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया, एक संख्या 200 थी उसको घटाकर 150 कर दिया गया, कमी प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना कम किया? 50 कम किया, किस पे किया? 200/100। ठीक है, 100/200 और ये आ गया 25%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 16% डिस्काउंट दे दिया गया एक
ट्राउजर पे जिसका मार्क प्राइस था इतना, 16% डिस्काउंट। देखो डजन पेयर ऑफ ट्राउजर मतलब 12, ठीक है, 16% डिस्काउंट। तो 5000 की चीज है, कितने में बेची इसने, 84/100 पे बेच दी। अगर मैं इसको इसको कैंसिल कर दूं तो ये आ गया 0, 5, 20 और ये आ गया अपना 42, ठीक है, मतलब इतने पैसे। लेकिन उसने बोला है कि 2100 में खरीदने हैं, तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा 2100 आएगा, ठीक है भाई, बिल्कुल आएगा। और इसने बोला था डजन पेयर ऑफ ट्राउजर मतलब 12 थे, 12 को भी 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। तो उसने कितने जोड़ी पतलून खरीदे, 6 जोड़े, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है। मैंने मान लिया क्रय मूल्य है 100, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 25% अधिक मतलब 125। उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 12% का, मतलब 125 को उसने किसने बेचा, 88/100 में बेच दिया। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 दुनिया 8, 4 दुनिया 8 और 22 पंजे होता है 110, ठीक है भाई साहब। 100 की चीज़ लेके आया, 110 में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ, 10% का, ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, देखो ये भी प्रॉफिट लॉस का है, कि जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, वो 4/3 है क्रय मूल्य का। तो हमने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो निकाला 4/3, मतलब 3 की चीज 4 में बेच दी, 1 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 3 पे गुणा 100, तो ये क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3%। अब ये 32 है, कोई भी ऑप्शन कर लो, 1/33 हो जाएगा, वो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन गलत थे इसमें। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक पर्सन है, यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है, देखो 15 पेंसिल 12 रुपये में, तो ये खरीदी है सीपी, और 12 पेंसिल 15 रुपये में बेचता है, ये हो गया एसपी। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो क्या करें, इन वस्तुओं को इक्वल कर लें, कैसे होंगी, 15 गुणा 4, 15 चौके 60, 12 गुणा 5, 12 पंचे 60, मतलब उसने 60 पेंसिल खरीदी 48 रुपये में और 60 पेंसिल बेची 75 रुपये में, 15 × 5 = 75, ठीक है। डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस आएगा अपने पास है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 27, 27 का डिफरेंस किस पे, 48 पे गुणा 100, ठीक है, 12 चौक 48 और 25 चौके 100, 3 चौक 12, 3 नीम 27, 25 नीमा ये हो जाएगा अपना 25 × 8 = 200, 225/4, 4 × 5 = 20, 4 × 1 = 4, ये आ जाएगा अपना 56.25% का प्रॉफिट, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 50,000 रुपये की राशि 6% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, क्यों, इसने बोला है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, मतलब 2 साल दे दिए और फिर भी हाफ ईयरली बोल दिया, तो अपना टाइम हो जाएगा 4 साल, ठीक है। रेट दी थी उसने 6% हाफ ईयरली करेंगे तो रेट होगी 3%, ठीक है, रेट और टाइम समझ में आया। अब देखो कैसे करेंगे इसको, हम करेंगे रेशो मेथड से, ठीक है। जब भी 4 साल की बात होती है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 4641 से, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसने बोला है कि 50,000 3% निकालोगे, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 × 3 = 15, ये आ गया अपना 1500, ठीक है, 50,000 था। अब 1500 का भी निकालो, 3/100, ये आ गया अपना 45, अब 45 का निकालो 3/100, ये आ जाएगा अपना 1.35, ठीक है। अब इसका भी निकालेंगे, ठीक है, लेकिन उसका निकालने की ज़रूरत नहीं है, पहले सोल्व कर लेते हैं, 4, 6 और 4, 15 चौके 60, मतलब 6000 आ गया, मतलब ये 5000 गया, ठीक है, और ये 5000 गया, 2 ऑप्शन बच गए। उसके बाद आया 45 × 90, तो 90 = 180, 27 = 270,
ठीक है, ये आ गया 270, मतलब 62 के आसपास आएगा। ठीक है, ये तो 7000 के आसपास चला जाएगा, ये तो बहुत बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नहीं तो पूरी बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, द टोटल अमाउंट आफ्टर 3 quarters वुड बी इतना इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 40%। देखो 40% है, क्वार्टरली बात की गई है, त्रैमासी बात की गई है, कितनी बात की गई है, तिमाही, तो ये 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 मंथ तो साल में 4 बार होंगे, तो रेट आ गया अपना 10%। ठीक है, सिंपल सी बात है, रेट आ गया अपना 10%। अब देखो 10% आया, तो 10% होता है 1/10, मतलब 10 से 11। ठीक है, 10 से 11, 3 quarters मतलब उसने हमसे पूछा है प्रेजेंट वैल्यू, तो डिटरमाइन, तो ये भी 3 होगा, 3 है तो ये भी 3 होगा, ये आ गया अपना 1000 और ये आ गया 1331। इसकी वैल्यू दे दी इसकी, तो 1 = 10, इसमें 10 और लग जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा 10000। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंपल क्वेश्चन है, इसने बोला 3/5 = x/75, 15 × 5 = 75, 15 × 3 = 45, तो अपना आंसर आ गया 45। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, आरव और दुर्गा मिलकर एक काम को 33 दिनों में कर सकते हैं। ये आरव है, ये दुर्गा है, काम को 33 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला है उन्होंने 15 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर आरव ने काम छोड़ दिया। देखो उन्होंने बोला है कि 15 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर आरव ने काम छोड़ दिया, और शेष काम दुर्गा ने अकेले 30 दिनों में पूरा किया, आरव अकेले कितने दिनों में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, देखो आरव प्लस दुर्गा 33 काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर 15 days। देखो 15 दिन काम किया, तो इनका काम कितना हो जाएगा, 15/33, मतलब 5 × 3 = 15 और 11 × 3 = 33, मतलब 3/11 काम इन्होंने 15 दिन में निपटा दिया, काम बचा अपना 5/11 काम निपटा दिया, तो अपना काम बचा 6/11। इस काम को दुर्गा 30 दिन में पूरा करती है, तो एक काम कितना होगा, 30 × 11/6, 6 × 5 = 30, 11 × 5 = 55। ठीक है, अब देखो आरव प्लस दुर्गा 33 दिनों में और दुर्गा के लिए 55 दिनों में, एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आएगा इसका 11 × 33, 11 × 5 = 55, 11 × 15, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 3, तो टोटल वर्क है 11 × 15, किससे करवाना है, दुर्गा से, किससे करवाना हमने, आरव से, दोनों मिलके 5, तो दुर्गा 3, तो आरव हो गया 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 11 × 15 होता है 165/2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 12 वुमेन और 16 मैन किसी काम को 11 दिन में, देखो 12 महिलाएं 16 पुरुष एक काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं, टोटल वर्क हो गया 12 वुमेन प्लस 16 मैन किसी काम को 11 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये 11 क्या आ गया अपना टोटल वर्क। ठीक है, एक मिनट रुकना, देखो क्या था, 12 वुमेन प्लस 16 मैन और काम खत्म किया 11 दिन में। ठीक है, ये आ गया टोटल वर्क। इसने बोला इफ ईच वुमेन टेक्स ट्वाइस द टाइम टेकन बाय अ मैन टू डू द वर्क। देखो यहां से ध्यान से समझना, इसने बोला जैसे वुमेन और मैन की एफिशिएंसी है, अगर मैन 1 दिन लेता है तो वुमेन 2 दिन लेती है। ठीक है, ये है टाइम की, टाइम का रेशो, और एफिशिएंसी का रेशो क्या होता है, इसका अपोजिट 1:2, तो वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो टोटल वर्क निकालते हैं 12, मैन की कितनी है 2, तो 16 × 32 × 11, 12 + 32 कितने होंगे 44 × 11, ये अपना हो गया टोटल वर्क।
आई बात समझ में। टोटल वर्क हो गया अपना 44 × 11। हमने करवाना किससे है, 16 पुरुष से। पुरुष की कितनी थी, 2 थी, तो 16 × 32 8, ये हो गया 44 × 11 और ये हो गया 32। ठीक है, ये 4 × 8 = 32, 11 × 4 = 44, 11 का स्क्वायर 121/8 और अपना सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखो इसने बोला 15 मजदूरों में इतने 12 600 रुपये बांटने हैं अपने, 7 पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं, 5 लड़के हैं। कितने पुरुष हैं, पहले नंबर लिख लेते हैं आप, वुमेन, चिल्ड्रन और पुरुष। कितने पुरुष हैं भाई साहब, 7 पुरुष, 3 महिलाएं और 5 लड़के। ठीक है, अब इनकी मजदूरी लिख लेते हैं। इन्होंने मजदूरी बताई है कि यदि प्रत्येक महिला प्रत्येक लड़के का 3 गुना प्राप्त करती है, लड़के को 1 मिले तो महिला को 3 मिले, और जो पुरुष है वो लड़के का 7 गुना प्राप्त करता है, इसको 7 मिले। 3 × 9 5 × 5 9 × 7 = 49। ठीक है, टोटल देखो 9 और 9 18, 8 × 5 = 13, मतलब 63 बराबर है 126 00 के, 1 = 20 के, 200 के सॉरी। ठीक है, हमने बताना किसका है, ईच वुमेन का। वुमेन कितनी थी, 9, तो 200 × 9 9 × 9 = 1800 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 15। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एक्स भूतल पर स्थित लिफ्ट से चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल से एक दूसरी लिफ्ट में आता है जो कि 45 मंजिल प्रति मिनट की गति से नीचे जाती है। हमें बताना है कि ये दोनों लिफ्टें कौन सी मंजिल पर मिलेंगी। ठीक है, देखो भाई ये जो क्वेश्चन है ये है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, एक ट्रेन का क्वेश्चन है कि यहाँ से कोई ट्रेन चली उसकी कोई स्पीड थी, यहाँ से चली उसकी स्पीड है, दोनों किस पॉइंट पे मिलेंगी वो हमें बताना है। ये होता है ट्रेन का क्वेश्चन। इसने क्या कर दिया, लिफ्ट का क्वेश्चन कर दिया, ऐसे वर्टिकल कर दिया, ये ओरिजोनटल है इसने कर दिया वर्टिकल। देखो मेथड सेम होगा, ये अपनी लिफ्ट मान ली हमने, ठीक है, देखो भाई साहब ये मान ली लिफ्ट, ठीक है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, इसकी स्पीड है 30, इसकी स्पीड है 45 और टोटल मंजिल है 50। ठीक है, अब देखो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, मतलब डिस्टेंस ना बोल के डिस्टेंस ही बोल लो या आप ऐसे बोल लो कि टोटल है 50 फ्लोर। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गया। हम टाइम निकालते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी, ऐड होगी 45 + 30 = 75, ये फ्लोर पर मिनट, फ्लोर से फ्लोर कैंसिल, 25 × 50 25 × 75, तो 2/3 मिनट लगी। ठीक है, अब देखो भाई हम नीचे से ही तो देखेंगे कि लिफ्ट नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आएगी, उसको देखेंगे, हम देखेंगे नीचे से ऊपर जा रही है, तो पहली वाली को देखते हैं जो 30 फ्लोर पर मिनट जाती है और 2/3 मिनट में कितनी चली जाएगी, 20 फ्लोर। कितनी चली जाएगी, 20 फ्लोर, और वो कहाँ जाके मिलेंगी दोनों, 20वें फ्लोर पे। तो ऑप्शन नंबर अपना कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि वो दोनों 20वें फ्लोर पे मिल जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी अपनी साइकिल से 3 बराबर भागों में बांटता है, मतलब तय करता है, बांटता नहीं है, ये मैंने मान लिए 3 बराबर भाग, 5 किलोमीटर/आवर, 10 किलोमीटर/आवर और 15 किलोमीटर/आवर की चाल से तय करता है। देखो जब भी 3 आ जाए ना, इनका एलसीएम ले लो, आसानी रहती है, एलसीएम आएगा इनका 30, तो मैंने मान लिया ये भी 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 है, क्योंकि उसने बोला है 3 इक्वल, देखो बोल रहा है 3 बराबर भागों में। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 90 / टोटल टाइम, क्योंकि हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, टोटल टाइम क्या हो जाएगा, 30/5 = 6, 30/10 =
तीन, और 30/15 दो, तो ये हो गया 90/6, और 3 × 2 11, 11 × 99 नहीं, 11 × 8 88, और 2 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छा अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, दो एथलीट हैं ए और बी, एक ही आरंभिक बिंदु से 1800 मीटर लंबाई के गोलाकार ट्रैक पर एक ही समय पर दौड़ते हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में दौड़ते हुए कितने अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि कितने वो हैं 1800। देखो एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन हो गया, हम रेशो निकाल लेते हैं स्पीड की, स्पीड की रेशो है 9:6, 3 × 9 = 3 × 6, तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 5, इसको ऐड कर देंगे 3 × 6 मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 2 = 5। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, ये 5 में उस पर अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, एक ट्रेन सीधी रेल पथ पर इतने किलोमीटर की चाल से चल रही है, समांतर सड़क पर एक छोटी कार, देखो ट्रेन किसी आदमी को पार करे या किसी कार को पार करे, तो हम कार की दूरी मतलब कार की जो वो होती है ना लेंथ, उस लेंथ को इग्नोर करते हैं। इसने क्वेश्चन में भी बोला है कि कहाँ गया, पार करने कितना समय सेकंड मिलेगा, इतना है, यदि इतनी लंबी है वह एक दिशा में चल रही है तो कार को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, देखो अब टोटल डिस्टेंस कितना है 943, क्योंकि हमें लेंथ लेनी है ट्रेन की, सिर्फ कार की कोई लेंथ नहीं होती, क्योंकि ट्रेन इतनी लंबी है कार छोटी सी है तो उसकी लेंथ हम नेगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रेन की इतनी स्पीड है, इसकी इतनी स्पीड है सेम डायरेक्शन में समांतर, तो इसमें क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 129 - 60, देखो सेम में होगा सब्ट्रैक्ट, अपोजिट में होगा ऐड। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 943/69। अब देखो 69 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में करूँगा तो 5/18, ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 × 6 3 × 3 = 9 और 3 × 6 = 18। ठीक है, अब 23 से इसको काट देंगे, ये आएगा 41, तो अपना आंसर आएगा 49.25, और हमने क्या लेना है, सिर्फ 49 लेना है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि एक बेलन का व्यास 14 है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2π 22/7 r, डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना होगा 7, और h हमने निकालना है जो कि बराबर है 220 के, 22 10 2 × 10 7 × 7 कैंसिल, हाइट आ गई अपनी 5, हमने वॉल्यूम निकालनी है जो कि पाई आर स्क्वेयर एच होती है, पाई आर स्क्वेयर मतलब 7 × 7, हाइट आ गई 5, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 35, 35 को क्या लिख सकता हूँ 70/2, 2 से 11 और 11 × 7 = 77, 770 अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 सेंटीमीटर है, तो वो होती है अपनी √3 बराबर है 6√3, √3 से √3 कैंसिल, a बराबर आ गया 6, हमने वॉल्यूम बतानी है जो कि a क्यूब होती है, 6 की क्यूब होती है 216, और ये अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, 12 जनवरी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।